बैक, माय नेम इज शांतनु भंडारे एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आई सपोज सबसे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये इंटीमेशन दी थी कि कुछ ऐसा आप जो ऑनरेबल आईसीएसआई प्रेसिडेंट है उन्होंने एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन दी है, बट ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल एंड ऑल दैट मैं आपके साथ यूट्यूब पे इसको डिस्कस नहीं कर पाया। बट आई जस्ट थॉट मैं एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जो बच्चे अभी इस बार पेपर देने वाले हैं दिसंबर में, क्योंकि उनका कंसर्न रहता है या जून वालों का कंसर्न रहता है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आप ऐसा मान के चलिए कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मान के चलिए इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि ना ही ये एप्लीकेबल है दिसंबर वालों पे, ना ही नेक्स्ट ईयर जून वालों पे। तो आने वाले 2 या 3 साल में कुछ नहीं होने वाला, और मेरा पर्सनली उसके ऊपर ये मानना है कि यू रियली डोंट नो, हो सकता है तब तक प्रेसिडेंशियल ऑब्वियसली चेंज होते हैं आईसीसीआई के प्रेसिडेंट, यू नेवर नो, तब तक कुछ और पॉलिसी आ जाए। सो ये कुछ अभी एज सच होने नहीं वाला है, और इवन आज सितंबर जबकि 19 तारीख है, तो आई सपोज आईसीएसआई का जो ड्राफ्ट आया था उसकी भी आखिरी तारीख अब खत्म हो चुकी है, जहां पे उन्होंने लोगों से सजेशन मांगे थे। अब मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अभी सजेशंस नहीं गए थे, आईसीएसआई प्रेसिडेंट ने पहले से ही कुछ डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे लगता है वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज अगर ऐसा ही था तो फिर सजेशन मांगे ही क्यों गए अगर अपनी तरफ से। कुछ याद है ड्राफ्ट आया था जिसमें कहा था कि अपने अपने सजेशंस दीजिए, इवन मैंने भी भेजा था, तो वो फिर क्यों था अगर अपने ही तौर पर उन्होंने डिक्लेयर करना था। बट उससे मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सिर्फ इतना सा आपको कहना था कि आपके लिए ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए मतलब दिसंबर जून आप मान के चलिए 2020 में आप हैं, ये नहीं एप्लीकेबल होने वाला 2019 में आप हैं, तो नहीं एप्लीकेबल होने वाला ये 2020 या 21 से पहले। तो आप बिल्कुल भी टेंशन आप इस चीज की ना ले, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है या ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं आराम से ढूंढ लीजिए। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो क्योंकि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस पर कनेक्टेड नहीं है तो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, उस पर अपना हाई हेलो टेक्स्ट भेज सकते हैं। मैं उसमें अपना प्रमोशनल इवेंट्स भी चलाता हूँ और ये वैकेंसीज एंड ऑल दैट भी शेयर करता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत वैकेंसी थ्रू आउट द डे हम शेयर करते हैं वहाँ पे, दैट इज ओनली फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो उसमें अभी क्या हो रहा है, जो न्यूज मार्केट में आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात कि जो ट्रेनीज है, यानी आप लोग जो है, इनकी बहुत एक तरीके से शॉर्टफॉल है। Companies, firms are looking for training. They are giving, at times, they are being given. आज ही किसी का आया था कि C8, so tires वाली C8 company, they've been paying for training around 15,000. So I suppose that's not a bad amount. क्योंकि अभी trainees जो हैं वो market में कम हो गए हैं, demands company की एक तरीके से trainee रखने की जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, compliance बढ़ते जा रहे हैं, workload बढ़ता जा रहा है, बट ट्रेनी जो है वो मार्केट में श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट करके कुछ और अच्छा भी ढूंढ सकते हैं। इंटायरली इट इज योर डिसीजन, बट इन द एंड ऑफ द डे ट्रेनीज की फॉर श्योर डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है, एंड द कंपनी आर बीइंग पेइंग, कंपनी और द फर्म एज अ केस मे बी आर पेइंग गुड अमाउंट, जो वो पहले दिया करते थे उससे कहीं ज्यादा अभी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि मार्केट में ट्रेनीज जो हैं उनकी एक तरीके से जो सप्लाई है, मे बी ऐसे कह दीजिए, वो अब कम हो चुकी है काफी। सो अपने हिसाब से नाउ आप चीजों को देख सकते हैं, जो आपको सही लगे वहां पे आप जा सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं आएगी, सिर्फ आपको अपना एक तरीके से देखना है कि आपको कितनी जल्दी स्टार्ट करना है। ऑन दैट बेसिस यू हैव टू चूज, बट इन द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली कि अब वो समय है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग ढूंढने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आएगी। बाकी ये एक मैंने आर्टिकल पर लिखा है दैनिक भास्कर का है, अब सीएस के लिए 24 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य है। मैं आपको ये सितंबर 16 यानी अभी 2 दिन पहले का पब्लिश्ड है, बट मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो लंबी लंबी गाइडलाइंस आपके किसी एज सच काम की नहीं है। जो बच्चे आज फाउंडेशन में है वो हो सकता है सोचे कि नया उन पे एप्लीकेबल होगा, बट मेरा फिर यही सवाल है कि अभी सजेशंस, आज सजेशंस का समय आप खत्म हुआ है, सजेशंस अभी मांगे गए हैं, यू नेवर नो सजेशंस के बाद कितने चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि जो बोला जाता है वो कभी होता नहीं है, क्योंकि सजेशंस मांगे इसीलिए जाते हैं बिकॉज स्टेक होल्डर्स का पर्सपेक्टिव कंसिडर करना होता है।
सो आई थिंक विद दिस आई एंड दिस वीडियो। और बिल्कुल भी आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से, किसी से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने वो खोला ही नहीं यहाँ पे कि 24 महीने 12 महीने रेजिडेंशियल है, फलाना है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस है, आपका कोई मतलब नहीं। अगले 2 साल तक अगर आप सीएस के उसमें हैं और 2 साल अगले 2 साल तक अगर आप ट्रेनिंग शुरू भी कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ तब भी वो नया वाला स्ट्रक्चर आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। नथिंग 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 कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्लीज परेशान मत होइएगा, स्टडीज पे फोकस करिए, पेपर्स पहले क्लियर करिए, ये तो चीजें होती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड आई शुड सी यू वेरी सून। थैंक यू।